अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर चैनल दिसो घर सिस्टर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मछली की बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको हम कहते हैं मछली का कुटहड़ा। अब आप पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब आप समझे कि मछली का कचुंबरी बन जाता है। मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए थे मछली के, ठीक है, और जो है उनको मैंने बॉयल कर लिया। 20 मिनट्स तक इसको बॉयल करना है, ठीक है। ये बॉयल हो गई। अच्छा, बॉयल करने के बाद इसको हम ना इसके जो कांटे वांटे हैं वो साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है। ये बच्चे और बड़े आराम से और बहुत ही शौक से खा जाएंगे। अब एक पतीली में ऑयल गरम कर लें और उसके बाद उसमें आधा चम्मच लहसुन ऐड करें, उसको ब्राउन होने दें। और उसके बाद आप इसमें 3 टमाटर ऐड करेंगे हम इसमें, ठीक है। इसको चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1/4 कप, मतलब आधे से भी आधा। अब टमाटर को थोड़ा सा गलने दें ढक्कन लगा के, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 5 से 6 ग्रीन चिलीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 डाली हैं, ठीक है। उसके बाद भी मैंने 2 और डाली थी, लेकिन आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे चिलीज़, क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं तो हम उस हिसाब से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नमक मैंने शामिल किया है 1/2 चम्मच, आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, ठीक है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें टर्मेरिक हल्दी ऐड की है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें सूखे धनिए का पाउडर ऐड किया है, ठीक है। अब इसको चम्मच से हिलाएं और थोड़ा सा पकने दें। इसमें बीच बीच मैंने ऑयल डाला था, ठीक है, 12 to 13 tablespoons बने थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने भी बीच में डालना, एकदम से इतना ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे ऑयल, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किए हैं 1 चम्मच। आप इसको मीडियम आंच पे थोड़ा सा पकने दें और फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे फाइनली मछली, जो हमने इसको कांटों से अलग कर दिया था। अब इसमें कोई कांटा वांटा नहीं बचा तो ये हमने ऐड कर दी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। इसको हल्की आंच पे पकने दें और बीच बीच में आप इसको घुमाते रहें ताकि ये जले नहीं, ठीक है। हमारी बोनलेस फ़िश रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही इजी सी है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।